स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है रीजनिंग का, क्रिटिकल रीजनिंग। तो इसकी दो क्लासेस में ये कवर होगा। आज कुछ हम सेक्शन करेंगे और फिर कल एक क्लास में। तो इसमें जो जो मेन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये गिवन स्टेटमेंट होगा, उसके बेस पे आपको डिसाइड करना होगा गिवन ऑप्शन में से कि हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए। इसी तरीके से स्टेटमेंट हो सकता है, उसके बेस पे कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन है बता सकते हैं हम। यानी स्टेटमेंट एजम्पशन कि कौन सा एजम्पशन लिया गया है, स्टेटमेंट के बेस पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट कि कोई गिवन स्टेटमेंट है उसके बेस पे हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट है। तो ये हम आज की क्लास में करेंगे और ये तीन टॉपिक कल की क्लास में। तो गिवन एक स्टेटमेंट होगा, इन सब में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू मान के चलते हैं। स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उस पर हम कोई चैलेंज नहीं करते, स्टेटमेंट जो भी है वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बेस पे जिस टाइप का क्वेश्चन है उसके हर टाइप के क्वेश्चन की अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो हमें उसी हिसाब से आंसर देना है। अगर स्टेटमेंट के बेस पे कोर्स ऑफ एक्शन है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, अजम्पशन है तो उसके लिए अलग है, कॉज एंड इफेक्ट है तो अलग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट है तो अलग। तो आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी टाइप हैं सबके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है। अगर एक बार आप वही याद कर लेते हो तो फिर ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है, बहुत आसान होता है आंसर करना। तो जैसे हम शुरू करते हैं समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स सॉल्यूशन। तो क्या होगा, स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम हमें दी होगी और उसके बेस पे कुछ सॉल्यूशन दे रखे होंगे ऑप्शन में। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो भी ऑप्शन है यानी जो सॉल्यूशन है उनमें हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है या फिर कोई भी नहीं लेना। तो इस चीज़ के लिए क्या क्या याद रखना है आपको, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला तो वही, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, जो भी प्रॉब्लम दे रखी है वो ट्रू है, उस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में या क्या है, सही डेटा है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्टेटमेंट में है ऑलवेज ट्रू। स्टेटमेंट के बेस पे फिर हमें जो सॉल्यूशन देखना है, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, इट शुड बी प्रैक्टिकल। यानी जो गिवन सॉल्यूशन है जो हमें ऑप्शन में चूज करना है कि हम इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा उसमें, इट शुड बी प्रैक्टिकल। एक चीज उसमें देख लूं कि रिकॉर्डिंग ऑन करी थी मैंने या नहीं, ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या हमें याद रखना है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल। ये जो मेन पॉइंट है, बस तुम्हें ये अगर याद है तो तुम बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। प्रैक्टिकल मींस सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा इस स्टेटमेंट, इस लाइन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। किसी को नहीं पता क्या मीनिंग हो रहा है इसको, स्टेटमेंट सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। आवाज जा रही है मेरी? हेलो, यस सर। यस सर, अच्छा आ रही है अच्छा आपकी आवाज। मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। प्रैक्टिकल मीन्स ऐसी, हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसे करना पॉसिबल है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन ही बता दो जो पॉसिबल ही नहीं हो, प्रैक्टिकल ही नहीं हो, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसको करा जा सकता है। सॉल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट करा जा सके, इस फॉर्म में होना चाहिए। सॉल्यूशन लॉजिकली फॉलोज, मतलब रिलीवेंट होना चाहिए, हम जिस सॉल्यूशन या जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और थी और उसका सॉल्यूशन हमने कुछ और दे दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट क्या होना चाहिए,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉल्यूशन शुड नॉट गिव राइज टू अदर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक सॉल्यूशन तो दिया बट उसके बेस पे क्या हो गया, एक अदर प्रॉब्लम अराइज हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आप स्टेप फॉलो करते हो तो बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। जैसे कि मान लो ये स्टेटमेंट है, मैं ऑन अ पर्टिकुलर हाईवे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय मेनी फोल्ड। बाय मेनी फोल्ड्स का क्या मतलब होता है? बाय मेनी टाइम्स। बाय मेनी टाइम्स यानी एक्सीडेंट्स जो इंक्रीज हो रही है, हम उसको प्लस वाले टर्म में बात नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई वाले टर्म में बात कर रहे हैं कि 10 एक्सीडेंट होते तो अब 20 30 होने लगे, डबल या ट्रिपल, मैनी फोल्ड, मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गए। तो एक कोई पर्टिकुलर हाईवे जिस पे एकदम से एक्सीडेंट क्या हो गए, इतने ज्यादा बढ़ गए, मैनी टाइम्स है तो बहुत बढ़ गए। तो कोर्स ऑफ एक्शन दिया है हमें, पर्सनल मॉनिटरिंग शुड बी डन बाई पुलिस ऑफिशियल ऑन ईच एंड एवरी व्हीकल। तो कोर्स ऑफ एक्शन ये सजेस्ट किया किसी ने कि पुलिस की ड्यूटी हम लगाएं उस हाईवे पर, और जितने भी उसमें व्हीकल जा रहे हैं उन सबकी हम क्या करें, पर्सनल मॉनिटरिंग, मतलब चेकिंग रखें कैसे जा रहे हैं क्या है। तो क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है, फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये आंसर करना होता है। तो क्या लगता है? क्या लगता है प्रैक्टिकली ये हमारे लिए सही है, आंसर कर सकते हैं हम इसे ऑप्शन में या नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, पर सर हर व्हीकल को चेक करना सर हाईवे पे तो सर मतलब नामुमकिन सा है। यस, तो आंसर होगा नो, यही आंसर है इसका, ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। क्योंकि तो पहली चीज, ईच एंड एवरी व्हीकल, हर व्हीकल की मॉनिटरिंग करना नॉट पॉसिबल। अब कितने भी लोग लगा दो, हर व्हीकल की आप चेक नहीं कर सकते हाईवे पर। तो पहली चीज, इस कोर्स ऑफ एक्शन में क्या प्रॉब्लम है, नॉट पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर हम पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटी मॉनिटरिंग पे लगा देते हैं ट्रैफिक पर, तो जिस सिटी के अंदर वो हाईवे, उस सिटी के लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा फिर? यानी ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इसकी वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि जब सारे पुलिस वाले, पता चला हमने वो हाईवे पे ही लगा दिए, तो फिर सिटी के लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा? यानी ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि किसी दूसरी प्रॉब्लम को अराइज कर रहा है, उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है हमारा, नो, इम्प्रैक्टिकल भी है और इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो इस केस में हम आंसर क्या करेंगे, नो। आया थोड़ा समझ में कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना है हमें? यस सर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, वाटर बॉर्न डिजीजेस आर रैम्पेंट। रैम्पेंट मींस Dangerous. बहुत ज्यादा हार्मफुल। रैम्पेंट मतलब बहुत ज्यादा आकर कर रही है, बहुत फ्रीक्वेंट है। ओके सर। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस मतलब ऐसे डिजीजेस जो कि अराइज होते हैं, मतलब इम्प्योर वाटर पीने से, मतलब डर्टी वाटर पीने से, या वाटर में कुछ मिक्स है ऐसी चीज पी रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, डिजीज जो होते हैं दैट आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीज। कोई नाम बताएगा किसी का वाटर बॉर्न डिजीज का नाम? जॉन्डिस, चर्मन, हेपेटाइटिस बी।
तो ये है कॉलरा है, ये सब है, दीज आर वाटरबॉर्न डिजीजेस, मतलब गंदा पानी पीने से। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी शायद नहीं होता इससे, एक बार देख लेना। चलो ये होते हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या बता रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है कि ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तो क्या लगता है ये सॉल्यूशन ठीक है, ये हेल्प करेगा? यस सर। तो ये हमें कॉमन नॉलेज है, कॉमन सेंस है कि अगर हम ड्रिंक करके पानी पीते हैं तो उसमें से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं तो काफी हद तक वो कम हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है प्रॉब्लम को, और इसकी वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम अराइज नहीं हो रही। ना ही एक ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो इम्प्रैक्टिकल हो, जिसको करा ना जा सकता हो, बॉइल करके किया जा सकता है। तो जो लोग मान लो उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेस पाए जा रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि वो वाटर को क्या करें, बॉइल कर दे। तो यस, इस केस में हम कहेंगे इस कोर्स ऑफ एक्शन को हम ऑप्शन में टिक करेंगे कि यस ये करा जा सकता है। स्टेटमेंट दिया है, डिस्पाइट सेवरल लॉज चाइल्ड लेबर इज कंटिन्यूइंग अनअबेटेड। अनअबेटेड का मतलब अनस्टॉपेबल, जिसको कम नहीं करा जा सकता, जिसको कम नहीं करा जा सकता, वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो वो कह रहा है कि हमने कई सारे लॉज बनाए बट स्टिल चाइल्ड लेबर क्या है, कम नहीं हो रही, इंक्रीज ही हो रही, बढ़ी रही है। अ सर्वे रिपोर्ट इन 2020 में एक सर्वे रिपोर्ट की गई, उसमें ये एक स्टेटमेंट दिया गया। तो इसके बेस पे बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन पास अनदर लॉ टू कर्टेल चाइल्ड लेबर, कि हम एक दूसरा लॉ पास कर दे जिससे कि कर्टेल मतलब कम करना। तो क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन हम ले सकते हैं ऑप्शन में, टिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नो सर, कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते। देखो इसमें रीजन ये है कि देखो यार, स्टेटमेंट में ही शुरू में क्या लिखा है, Despite several laws. यानी वो खुद ये मान रहा है पहले से ही कि बहुत सारे पहले से लॉ हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं लॉ, बट उन लॉ क्या है वो फेलियर है, मतलब वो नहीं कर पा रहे उसे कंट्रोल। तो अगर हम फिर से एक और लॉ पास कर दें तो एक्सपीरियंस बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड पे हमें क्या लग रहा है, फिर से क्या होगा, वो फेल होगा। तो ये कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे हमें लग रहा हो कि प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। ये स्टेटमेंट में पहले ही उसने दे दिया कि पहले से बहुत लॉज हैं लेकिन तब भी चाइल्ड लेबर कम नहीं हो रही, यानी कि अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन ये सजेस्ट करते कि फिर से एक और लॉ पास कर दो तो दिस विल नॉट हेल्प, ये कोई हेल्प नहीं करेगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेबल भी होना चाहिए, किसी और प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करे, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहिए। सॉल्व पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सके तो कम तो कर सके। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के ही एक्सपीरियंस से लग रहा है कि कोई फायदा नहीं होगा, पहले इसमें लॉ है, एक लॉ और आ जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा नो, ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं काम करेगा। अब है क्वेश्चन स्टेटमेंट, कंपनी जेड इज इनकरिंग ह्यूज लॉसेस ड्यू टू मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। क्योंकि स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, सारा जो कुछ भी आंसर है सब स्टेटमेंट के ऊपर बेस होगा। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, दो ऑप्शन है इस बार, और मतलब दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं और ऑप्शन है, अगर सिर्फ वन फॉलो करता है, सिर्फ टू फॉलो करता है, वन और टू करता है, वन और टू में से कोई नहीं करता, या दोनों करते। तो स्टेटमेंट क्या है, कंपनी जेड इज इनकरिंग ह्यूज लॉसेस ड्यू टू मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द
मार्केट. फोर्सेस ऑफ एक्शन, कंपनी जेड शुड ऑफर ह्यूज डिस्काउंट ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट कस्टमर. किसी ने ये कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट किया. दूसरे ने क्या कहा, कंपनी जेड शुड स्टडी इट्स कॉम्पिटिटर देयर प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स. तो क्या लगता है सर? टू तो देखो लग ही रहा है, कंपनी जेड शुड स्टडी इट्स कॉम्पिटिटर. यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कॉम्पिटिटर की स्टडी करें उसके प्रोडक्ट और मेथड. तो ये तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि जब ऐसा आप लॉसेस में जा रहे हो तो आपको स्टडी करनी चाहिए उनके कंप्यूटर के बारे में, उनके प्रोडक्ट मेथड कैसे काम कर रहे हैं. तो ये तो है. फर्स्ट का क्या करें, फर्स्ट सही है या नहीं है? यस सर सही है सर, ये भी हो सकता है. नो सर नहीं. नो सर नो क्यों कहा, रीजन बताओ. अनदर प्रॉब्लम जनरेट कर देगा. पहले से ही वो बहुत लॉस में है, तो अगर वो फिर से डिस्काउंट दे दे ह्यूज डिस्काउंट ऑल इट्स प्रोडक्ट, तो उसका लॉस एकदम से बहुत बढ़ जाएगा. ये स्ट्रेटेजी तब काम कर सकते थे जब वो पहले से प्रॉफिट में चल रहे थे और उन्हें लगा कि कस्टमर कम हो रहे हैं या सेल कम हो रही है, तो ये स्ट्रेटेजी वर्क करती, क्योंकि कुछ टाइम तक तो उन्हें वो डिस्काउंट का आपको बियर करना पड़ेगा इफेक्ट कि कितना लॉस हो रहा है. तो ये तब तो काम कर जाती, बट पहले से ही बहुत लॉसेस में है तो उस टाइम ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, इसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी. तो ये हमारा नहीं रहेगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू, ओनली टू फॉलोस. ठीक है, तो देखो समझ में आ रहा था, ह्यूज लॉसेस, फिर और डिस्काउंट दे दिए बहुत सारे, तो फिर क्या होगा, एकदम से बहुत ज्यादा और लॉस बढ़ेगा कंपनी का, वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द पेवमेंट्स आर क्राउडेड विद द डिस्प्ले ऑफ वेरियस आर्टिकल्स सोल्ड बाय हॉकर्स एट चीप रेट, दिस कॉजिंग ट्रैफिक कंजेशन. क्या प्रॉब्लम दी उसने स्टेटमेंट में, कि पेवमेंट मतलब जो रोड साइड रहता है चलने के लिए, उस पर क्या करते हैं हॉकर्स जो होते हैं, वो कई सारे आर्टिकल की छोटी छोटी अपनी दुकान लगा के बैठ जाते हैं वही सड़क पर बेचने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं. तो फोर्सेस ऑफ एक्शन, क्या एक्शन लिया जाए. पहला कह रहा है पासर्स बाय, जो वहां से गुजर रहे हैं जो कि ऐसे आर्टिकल खरीदते हैं, शुड बी प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड मतलब रिमूव, वो जो नहीं रिमूव नहीं, पनिश करना चाहिए उन्हें. प्रोसिक्यूटेड पनिश इन द सेंस कि उसको उसकी कुछ सजा एक कुछ दे दिया जाए कि भाई जो ऐसे लोगों से खरीदेगा, पासर्स बाय मतलब तो वहां से पास करते हैं रोड से जाते हैं जो कि ऐसे आर्टिकल खरीद रहे हैं, उन्हें क्या करो, प्रोसिक्यूट कर दो, उन्हें कुछ पनिश, कुछ फाइन लगा दो, कुछ कर दो उसमें इन द फॉर्म. तो एक कोर्स ऑफ एक्शन तो ये है. सेकंड क्या है, पहले तो चलो फर्स्ट ही बताओ, फर्स्ट क्या लग रहा है? नो सर, ये कोई मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि आप जो बेच रहा है उस पे जो लोग खरीद रहे हैं उस पे आप खड़े हो जाएं और उनको फाइन करना या पनिश करना शुरू कर दे. तो ये तो समझ में आ रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए. देन ये तो गया ऑप्शन. सेकंड, लोकल अथॉरिटीज जैसे एमसीडी वाले दिल्ली में शुड ट्राई एंड प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस फॉर दीज हॉकर्स. तो क्या करें, उनके लिए अलग कोई मार्केट प्लेस बनाए so that they too can earn their living without causing inconvenience. तो उनके लिए अगर कोई खाली जगह हो कुछ तो वहां पर एक लोकल मार्केट बना दे ताकि वो वहां जाकर बेचे, रोड पे ना बेचे. तो ये कैसा सॉल्यूशन लग रहा है? नो सर, ये भी नहीं हो सकता
yes, सकता है सर, पॉसिबल हो सकता, पॉसिबल। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, नो का क्यों आंसर आया? ए, इतनी जगह फालतू थोड़ी ना ऐसे फ्री में दे देंगे। नहीं नहीं देखो यहाँ पर लिखा है शुड ट्राई एंड प्रोवाइड, मतलब उनके लिए जगह देखी जाए और बनाई जाए, मार्केट प्लेस बनाने की बात हो रही है। मतलब मार्केट प्लेस इन द सेंस क्या है कि भाई ये लोग जाएंगे अपनी दुकान लगाएंगे अपना बिजनेस करेंगे, प्लस इनसे जो जहाँ भी सेटअप किया जाएगा मार्केट उसका कुछ इन्हें रेंट देना होगा, सब कुछ देना होगा। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, बट ये चीज अलग है कि थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट ये एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है। तो हम इसमें ऑप्शन जाएंगे सेकंड, ओनली टू पर। मतलब एक तरीके से जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की कोशिश है। नेक्स्ट, अ मेजर रेल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ पैसेंजर ट्रेन वाज अवर्टेड। अवर्टेड मीन्स अ मेजर रेल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन को इन्वॉल्व करते हुए एक मेजर रेल एक्सीडेंट जो था वाज अवर्टेड। अवर्ट करने का क्या मतलब हुआ? अवॉइडेड, अवॉइडेड, यस। मतलब जो चीज हो सकती थी उससे बचा लिया गया, तो यहाँ पर एक्सीडेंट बचाया तो अच्छी बात है। किसने बचाया? सिग्नल मैन बाय द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मींस, प्रॉम्प्ट मींस प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है? तो ये कॉमन इंग्लिश के वर्ड है जो कि कॉमन बिजनेस लैंग्वेज इन सब में यूज होते हैं। प्रॉम्प्ट सर, क्विक एक्शन, क्विक प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बहुत ही क्विक एक एक्शन। तो क्विक एक्शन ऑफ अ वेसाइड सिग्नल मैन, तो सिग्नल मैन ने क्या करा, एक एक्शन लेके क्या करा, एक एक्सीडेंट होने से बचा लिया। नाउ कोर्स ऑफ एक्शन, अब इसके आगे के एक्शन क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड टू एलिमिनेट एरर्स इन सिग्नलिंग। तो क्या करना चाहिए? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। एक्चुअल में इसके आगे का स्टेटमेंट था, इसको मैंने लिखा नहीं। एक्सीडेंट कैसे बचाया था कि दो ट्रेन आमने सामने आ सकती थी, तो सिग्नल मैन ने क्या करा, वहां पर मैनुअली सिग्नल जाके उसे चेंज कर दिया, तो एक्सीडेंट बच गया। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड टू एलिमिनेट एरर इन सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, दोनों ट्रेन क्या होगा एक ही ट्रैक पे आ गई थी आमने सामने। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन क्या सजेस्ट करा गया कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो ताकि सिग्नलिंग की ऐसी एरर ना हो कि ट्रेन आमने सामने आ जाए। एंड सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है द अलर्ट सिग्नल मैन शुड बी रिवार्डेड टू एनकरेज दिस ट्रेट अमंग अदर एम्प्लॉइज। ट्रेट मींस कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक को ये दूसरे एम्प्लॉयज में भी, दूसरे एम्प्लॉय भी उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करें तो उस सिग्नल मैन को क्या करो, रिवार्ड करो ताकि और एम्प्लॉयज भी एनकरेज हो अच्छा करने के लिए। तो इसमें क्या लग रहा है कोर्स ऑफ एक्शन? आंसर 5 सर। आंसर 5, यस। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही है, कि वन भी हम कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी यूज करो ताकि इस तरीके की सिग्नलिंग की प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा क्या करेंगे हम, उस सिग्नल मैन को भी एनकरेज करेंगे ताकि लोग भी अपनी तरफ से क्या हो, मोटिवेटेड रहें कि आगे बढ़ के अगर हमें कुछ काम करना पड़े तो उसे करें। ठीक है, तो आंसर होगा 5।
टाइप टू क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. तो ये था कोर्स ऑफ एक्शन. टाइप टू इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. तो इसमें हमें रिमेम्बर क्या करना है, जो भी कंक्लूजन देना है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पर, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पर हमें कंक्लूजन देना है. अलग से कुछ भी हम जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, लॉजिक अलग से कुछ नहीं लगाना है. यानी जो भी हमारा कंक्लूजन है वो स्ट्रिक्टली किस पर बेस्ड होगा, स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर. अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है. डू नॉट अज्यूम एनीथिंग. अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि ऐसा हुआ होगा इसलिए शायद ये कंक्लूजन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है. और अगर कंक्लूजन रेलिवेंट है, मतलब जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसी से रिलेटेड है, और किसी एडवाइस या रिजल्ट की फॉर्म में है, तो उसे हम हमेशा क्या मानेंगे, ट्रू. एंड लास्ट, मोरल और एथिक्स कोड शुड नॉट बी यूज. कि ये मोरली रॉन्ग है या मोरली राइट है, इसका कुछ यूज नहीं होता. स्ट्रिक्टली स्टेटमेंट और उसके बेस पे कंक्लूजन, बस इसी की रिलेशन होती है. तो ये क्रिटिकल रीजनिंग के टाइप टू है, स्टेटमेंट कंक्लूजन. इसमें हम ये चीज या ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी आंसर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में देखना है जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, अपनी तरफ से कुछ भी कॉमन सेंस, लॉजिक, एजम्पशन, एज्यूम कुछ नहीं करना. अगर कंक्लूजन रेलिवेंट है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसी फॉर्म में, और किसी एडवाइस या रिजल्ट के बारे में, तो हम उसे ट्रू मान लेते हैं. और मोरल या एथिकल कुछ आ रहा है तो हम उसको अलग नहीं करते. स्टेटमेंट में है तो हम मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते. जैसे ये है स्टेटमेंट, टीचर इज कॉल्ड राजू इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. स्कॉल्ड करना मीन्स डांटना. डांटना, तो टीचर ने क्या करा, राजू को डांटा इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. तो अगर कोई इस पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि टीचर डिसलाइक राजू, तो क्या ये कंक्लूजन ठीक है, फॉलो करेगा या नहीं करेगा? नो सर. नो. सबको क्या लग रहा है, क्या आंसर हो सकता है इसका? देखो, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस. स्टेटमेंट में सिर्फ ये दिया है. यस लग रहा है सर. टीचर ने राजू को सब स्टूडेंट के सामने डांटा, तो क्या इससे ये कंक्लूजन हमें कर सकते हैं हम ड्रॉ, फॉलो करेगा कि टीचर राजू को पसंद नहीं करता है, डिसलाइक राजू? यस सर, फॉलो करेगा. फॉलो नहीं करेगा. देखो, डांटने के कई सारे रीजन हो सकते हैं. भाई जरूरी है थोड़ी वो पसंद नहीं करता. भाई राजू ने कुछ उस वक्त ऐसा काम किया हो कि टीचर ने डांट दिया उसे, वन टाइम इंसिडेंट भी तो हो सकता है. तो ये हमें एजम्पशन, हम ये एजम्पशन अपनी तरफ से नहीं लगा सकते कि टीचर उसको पसंद नहीं करता है, या फिर पहले भी वो कई बार डांट चुका होगा फिर डांट दिया है, इस तरीके का कुछ नहीं. हो सकता है वो वन टाइम कुछ ऐसा हुआ हो कि टीचर को डांटना पड़ गया सबके सामने. तो ये एजम्पशन वाली चीज हमें नहीं लेनी है. जो ये टाइप टू है हमारा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें कभी भी आपको एज्यूम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना. अगर टीचर डिसलाइक कर रहा राजू, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट में दिया होता पहले से, तब हम इसे ले सकते थे. इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम नहीं ले सकते. क्योंकि देखो, टीचर और क्लास में कभी भी हो सकता है, हो सकता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट कोई हो लेकिन उसकी भी डांट पड़ जाए, कुछ हुआ हो ऐसा केस, तो हम ये एजम्पशन नहीं कर सकते कि वो डिसलाइक करता. क्लियर? एजम्पशन अपनी तरफ से कुछ नहीं करना. मैनी पीपल्स हैव बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल. बहुत सारे लोग क्या हुए किसी एरिया में, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया. इट इज एज्यूम्ड दैट जंक फूड इज पॉइजनस.
तो क्या इसके बेस पे ये कंक्लूजन कर सकते हैं हम, जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस? नो सर. नो सर, नहीं कर सकते. देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इट इज एज्यूम. देखो स्टेटमेंट में भी क्या दे रखा है कि एक एजम्पशन ये माना गया कि उन्होंने कोई ऐसा जंक फूड खा लिया जो कि पॉइजनस था. मतलब स्टेटमेंट में भी क्लियर नहीं दिया ये चीज, स्टेटमेंट में भी ये दिया है कि एज्यूम कर लिया था कि जंक फूड क्या है, पॉइजनस है, उसकी वजह से हुआ है. और कंक्लूजन में देखो यहाँ वर्ड यूज हुआ है ऑलवेज, ये चीज आपको थोड़ी कैच करनी पड़ेगी. ऑलवेज इस तरीके का, ऑलवेज पॉइजनस, ये कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब है कि जंक फूड हमेशा पॉइजनस होता है. और वर्ड भी देखो क्या है, पॉइजनस. हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जंक फूड इज अनहेल्दी. अनहेल्दी और पॉइजनस में डिफरेंस है. जंक फूड इज अनहेल्दी कह सकते हैं तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि भाई जंक फूड जो वो हेल्दी नहीं होता. बट जंक फूड इज पॉइजनस कहना, ये कंक्लूजन तभी आ सकता है जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास उसका एविडेंस हो, बैकअप हो. और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इट इज एज्यूम्ड. स्टेटमेंट में ही ये चीज बहुत वीक है कि ये माना गया कि हो सकता है जंक फूड जो पॉइजनस खा लिया था लोगों ने, इसलिए वो एडमिट हुआ. क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है ना, ये यही चीज है कैच करने के लिए बनाई गई है कि आप स्टेटमेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रही है उसको देखो कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, वीक लैंग्वेज है, उसके बेस पे कंक्लूजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस. ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है, ये तभी हो सकता था जब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती, और स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है. जो एक लाइन यूज हुई है उसमें भी एज्यूम्ड वर्ड आया है, तो ये फॉलो नहीं करेगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंक्रीज हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन, इट इज फियर्ड दैट पेट्रोल विल बी अ रेयर कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि बहुत ही रेयर कमोडिटी बन जाएगा. कंक्लूजन है इस पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली. और सेकंड है, वी शुड यूज मोर सोलर पावर. तो कौन से कंक्लूजन आपको लग रहा है कि फॉलो कर रहे हैं गिव इन स्टेटमेंट पर? कंक्लूजन वन. वन सर. गुड. तो देखो वन तो फॉलो कर रहा है. देखो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये एडवाइस की फॉर्म में है, तो अगर कोई कंक्लूजन रिलीवेंट है स्टेटमेंट पे, तो देखो ये बात हो रही थी कि पेट्रोल क्या हो जाएगा, रेयर कमोडिटी हो जाएगा, तो इससे रिलेवेंट है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली. रिलेवेंट है और एडवाइस की फॉर्म में, तो इसे हम हमेशा क्या मानते हैं, ट्रू. यानी ये तो फॉलो करेगा. और सेकंड, वी शुड यूज मोर सोलर पावर, ये करेगा नहीं करेगा? ये भी सर करेगा सर, ये भी एडवाइस ही हुई और रेलेवेंट भी है. नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है. यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की. रेलेवेंट, देखो रेलेवेंट हमने इसलिए कहा कि हमने एक अजम्पशन अपनी तरफ से, या फिर हमारी जो कॉमन सेंस है, जीके या लॉजिक, हमने लगा लिया कि पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसकी वजह से हम रिन्यूएबल यूज कर सकते हैं. तो ये सब चीजें हमने सोच ली, जो कि स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं गिवन है. तो ये सब चीजें कंक्लूजन में नहीं यूज करते हैं, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट में बात हुई पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, सिर्फ और सिर्फ. तो पहला कंक्लूजन क्योंकि पेट्रोलियम पर ही बेस्ड था, एडवाइस की फॉर्म में था, तो हमने कहा यस. बट सेकंड में पेट्रोलियम की बात नहीं हो रही, अब किस चीज की बात होने लगी, सोलर पावर. सोलर पावर ऊपर स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आया वर्ड. तो ये हमें पता है लॉजिक, और हमें पता है कि ये करना चाहिए, बट कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं करता.
तो देखो हर टेक्निक की अलग अलग स्ट्रेटेजी, बस आपको वो चीज अगर ध्यान रह गई कि किसकी क्या स्ट्रेटेजी है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन कभी भी हम अपनी तरफ से कुछ भी अजम्पशन, लॉजिक, कॉमन सेंस कुछ नहीं लगाएंगे। जो क्वेश्चन में दिया है बस स्टेटमेंट में दिया है उसी को यूज करना, ठीक। तो सेकंड फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ थॉट्स। मैनी मेडिसिन्स कंटेन फिश ऑयल, ये स्टेटमेंट दिया है। इसके बेस पर कंक्लूजन, ऑल द वेजिटेरियन आर, व्हाट इज, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या है ये वर्ड, पेस्कटेरियंस। पेस्कटेरियंस कौन होते हैं, हु ईट फिश मीट, यानी वो मीट में सिर्फ कौन सा मीट यूज करते हैं, फिश वाला, बाकी और कुछ नहीं खाते, तो उनके लिए स्पेशल वर्ड होता है पेस्कटेरियंस। तो क्या इसके बेस पर हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं, ऑल द वेजिटेरियन आर पेस्केटेरियन? नो सर, ऐसा कुछ है ही नहीं। no, कोई बात नहीं है, तो ये नहीं है। देखो जब भी इस तरीके के वर्ड आते हैं ना, ऑल, एवरी, ऑलवेज, नन, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो कंक्लूजन में नॉर्मली ऐसे ऑल, एवरी, नन बहुत ही कम ट्रू होते हैं। ऑल द वेजिटेरियन यानी सारे के सारे वेजिटेरियन के लिए ये बात कह रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे ट्रू या फॉलो करें। सेकंड क्या कह रहा है, सम वेजिटेरियन कंज्यूम सच मेडिसिन टू क्योर डिजीज, मतलब कुछ वेजिटेरियन है जो ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं अपनी डिजीज के लिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यस ये हो सकता है। तो बहुत सारी मेडिसिन्स में फिश ऑयल है, तो जो लोग यूज करेंगे उसे, तो हो सकता है उसमें से कुछ वेजिटेरियन भी यूज कर ले। लेकिन सारे के सारे वेजिटेरियन यूज करते हैं उस सेंस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें हमेशा इन वर्ड्स को ध्यान रखने चाहिए, ऑल, एवरी, नन, ऑलवेज, ओनली, ये सब स्ट्रॉन्ग है बहुत वर्ड, ये सारे के सारे के बात करता है, ठीक। तो ये थे स्टेटमेंट कंक्लूजन। थर्ड टाइप है स्टेटमेंट अजम्पशन। स्टेटमेंट गिवन दिया होता है, उसके बेस पे हमें अजम्पशन देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें वही स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये तो हर केस में रहता है, स्टेटमेंट को हम हमेशा क्या मानते हैं, ट्रू। अब देखो यहां पर कह रहा है जीके कॉमन सेंस लॉजिक यूज कर सकते हैं, तो आपको दोनों टाइप में फर्क पता होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो तो कुछ भी अपनी तरफ से आप अजम्पशन, जीके, लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर स्टेटमेंट के बेस पे अजम्पशन के क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं। अजम्पशन दो टाइप के होंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जाएगा अजम्पशन इज इम्प्लिसिट या फिर अजम्पशन इज ट्रू, या फिर लैंग्वेज होगी अजम्पशन इज एक्सप्लिसिट या फिर अजम्पशन इज फॉल्स। तो जो अजम्पशन इनडायरेक्टली मेंशनड होता है उसको हम मानते हैं ट्रू, और जो डायरेक्टली मेंशनड होता है जैसे ईच, एवरी, नन, ओनली करके, इसे हम हमेशा क्या मानेंगे, फॉल्स। अभी क्वेश्चन में देख लेंगे हम, पास्ट या फ्यूचर की बात हो रही है अजम्पशन में तो वो भी फॉल्स है, और अगर अजम्पशन स्टेटमेंट के ही अगेंस्ट है तो वो भी क्या होगा, फॉल्स। यानी स्टेटमेंट के बेस पे अजम्पशन का क्वेश्चन है तो हम कॉमन सेंस लॉजिक से सोच सकते हैं कि ये अजम्पशन सही है या नहीं। अजम्पशन के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इम्प्लिसिट या ट्रू अजम्पशन, और एक होता है एक्सप्लिसिट या फॉल्स। पास्ट या फ्यूचर की बात होती तो अजम्पशन हमेशा फॉल्स होगा,
और अगर assumption ही statement के against है तब भी वो false होगा। जैसे यह है statement, liquid soap should be used in place of soap bars to wash hands। statement में क्या दिया है कि liquid soap को use करना चाहिए soap bar के place पे to wash hands। तो क्या हम ये assumption ले सकते हैं कि ये assumption मान के ये statement दिया गया है कि soap bars are harsher to the skin than the liquid soap, क्या यही इस statement का assumption हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये इससे रिलेटेड कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हम मान ले हार्शर है, कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कॉस्ट की वजह से हो, कॉस्ट इफेक्टिव कुछ दिया हो, कुछ और रीजन हो। तो सिर्फ ये अजम्पशन लेना है कि सोप बार आर हार्शर टू द स्किन, हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, तो ये कोई ऐसा इसमें हमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल नहीं रहा सपोर्ट का, तो हम इसे नो मानेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस लेस एयर पोल्यूशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, बहुत कम एयर पोल्यूशन करते हैं। अब इसके बेस पे हम इस अजम्पशन ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विल बी द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द फ्यूचर। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा आपको, इस तरीके से दे रखा होगा कि द गिवन एजम्पशन इज ट्रू या फिर इम्प्लिसिट, इन दोनों का एक मतलब है, या फिर फॉल्स या फिर एक्सप्लिसिट। तो ट्रू या इम्प्लिसिट या फॉल्स या एक्सप्लिसिट, तो क्या लग रहा है ये जो अजम्पशन है? फॉल्स। ट्रू, फॉल्स सर। गुड, क्यों है फॉल्स? सर फ्यूचर की बात करिए, फ्यूचर की बात हो रही है सर, ओनली वी और ओनली वी। गुड, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिससे हमें पता चल रहा है ये अजम्पशन क्या है, एक्सप्लिसिट है, यानी कि फॉल्स। तो कभी भी अजम्पशन में फ्यूचर या पास्ट की बात होगी तो वो नहीं हो सकता अजम्पशन, ट्रू नहीं हो सकता, और अगर ओनली, ऑल, नन, एवरी ऐसा वर्ड आ गया तब भी नहीं हो सकता। वार्निंग स्टेटमेंट में क्या है, वार्निंग, सेल फोन्स आर प्रोहिबिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। इस पॉइंट के आगे अब आप सेल फोन यूज नहीं कर सकते। एजम्पशन दे रखा है दिस वार्निंग इज नॉट नेसेसरी, इस वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है, दिस वार्निंग इज नॉट नेसेसरी। फॉल्स, फॉल्स, यस, दिस एजम्पशन इज फॉल्स। रीजन क्या हुआ इसके फॉल्स होने का? कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट को, यस, जो गिवन स्टेटमेंट है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। भाई स्टेटमेंट कह रहा है सेल फोन्स आर प्रोहिबिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट, वार्निंग है कि भाई इसका आगे यूज नहीं कर सकते। एजम्पशन कह रहा है कि इस वार्निंग की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। एजम्पशन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला हमेशा क्या होता है, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू लोअर देयर इंटरेस्ट रेट फॉर एग्रीकल्चरल लोन। गवर्नमेंट ने क्या कहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कि अपना इंटरेस्ट रेट लो कर दो, किसके लिए, अगर कोई एग्रीकल्चरल लोन लेने आ रहा है। अब क्या एजम्पशन होंगे इसके, दिस विल इंक्रीज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी। पहला एजम्पशन कह रहा है कि इससे क्या होगा, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी मतलब जो क्रॉप जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं पर हेक्टेयर, उसकी इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। दूसरा एजम्पशन क्या है, इट विल हेल्प फार्मर्स इन पेइंग लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर प्रॉफिट विल इंक्रीज। दूसरा कह रहा है कि इसकी वजह से क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा फार्मर्स पर। ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, ओनली टू इज इम्प्लिसिट, आइदर इज इम्प्लिसिट, नाइदर और बोथ वन इन टू।
क्या आंसर होगा सर? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू सर। यस वेरी गुड। ऑप्शन टू। ऑप्शन वन क्यों नहीं है? सिर्फ फ्यूचर की बात हो रही है। वेरी गुड। यहाँ पर ये जो फ्यूचर वर्ड आ गया इसकी वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया या एक्सप्लिसिट हो गया, यानी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ये सेकंड वाला हमें सही लग रहा है बिल्कुल। आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। गुड। सन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, स्टेटमेंट में दिया है सन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। एजम्पशन है सन इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, और सेकंड है विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फ्रॉम सन। ऑप्शन फोर। ऑप्शन टू। ऑप्शन फोर या फोर? फोर सर। तो पहले ऑप्शन वन पर, सन इज द ओनली ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी। जब ओनली और ये सब आ गए तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन डायरेक्टली मेंशन, कि बिल्कुल सीधे सीधे लिखा है कि सन इज द ओनली सोर्स। तो ऐसे एक्सप्लिसिट को हम हमेशा अजम्पशन में फॉल्स मानते हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया। सेकंड है विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फ्रॉम सर। ऑप्शन फोर ही होंगे। ऑप्शन फोर। तो ये क्या कर रहा है, गिवन स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है सन गुड सोर्स है और इस अजम्पशन में दे रखा है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में विटामिन डी मिल रहा है सन। तो ये क्या एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। दोनों एक्सप्लिसिट है या दोनों फॉल्स है, यानी कि दोनों क्या है, इम्प्लिसिट नहीं है। तो दिस विल बी द यस। तो आज की क्लास का लास्ट टाइप है हमारा ये स्टेटमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। स्टेटमेंट है और उसके बेस पे आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे तो हमें बताना होगा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसके बीच में हमें दे रखे हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स। क्या होते हैं, या काइंड ऑफ प्रपोजल होता है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसके ऊपर तुम्हें प्रपोजल दे रखे हैं, तुम उस प्रपोजल या आर्ग्यूमेंट्स को बताना है कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि गिवन कोर्स ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको वो स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट भी कर सकता है और स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट भी कर सकता है। जो भी वो करेगा स्ट्रॉन्गली करेगा, मतलब हमने कुछ प्रपोज किया कि ऐसा करो तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो या तो उसके फेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग बोलेगा कि यस यस ऐसा करना चाहिए इससे ऐसा होगा, या फिर स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट भी कर सकता है उसको कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज उसका ये रीजन है। तो हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट उसे कहते हैं जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसके बेस पे या तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली उसे एक्सेप्ट करे या फिर स्ट्रॉन्गली उसे क्या करे, रिजेक्ट करे। ठीक है यार, स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग दोनों सेंस में हो सकता है। आपने कोई एक करा कि हम क्या ऐसा ऐसा कर ले, तो किसी ने उसे क्या करा, बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट किया और रीजन दिया कि देखो ऐसा करना चाहिए तो ये होगा। किसी ने क्या करा, उसे बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट किया और अपना रीजन दिया। तो अगर दोनों के रीजन ठीक है तो हम दोनों के आर्ग्यूमेंट को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, चाहे फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में। वीक आर्ग्यूमेंट मतलब हमने कहा कि एक्सेप्ट कर लो लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही वीक है। तो स्ट्रॉन्ग नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपसे पूछता है कि गिवन जो भी आर्ग्यूमेंट है इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में हम दोनों चीजें ले सकते हैं, फेवर भी और अगेंस्ट भी, बट उसका लॉजिक क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा
बट बहुत ही उसके पीछे जो भी पॉइंट होगा वैलिड पॉइंट होगा एंड डायरेक्टली रिलेटेड होगा, जो भी हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो उसका रीजन जो होगा वैलिड भी होगा और डायरेक्टली रिलेटेड भी होगा, फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, समझ गए। जैसे कि मान लो कोर्ट है, कोर्ट में आप केस लड़ रहा है, तो पहला जो उसको डिफेंड कर रहा है पिटिशनर को, उसने क्या करा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा, और उसके अगेंस्ट जो वकील था उसने भी क्या करा, बहुत ही जो उसे प्रोसिक्यूट करना चाह रहा है उसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई दोनों के आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर ये चीज कि फेवर और अगेंस्ट नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि किसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट को नॉर्मली हम जो भी क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट दे रखा है उसे ट्रू मानते हैं, अनलेस एंड अंटिल क्या हो, जनरली नोन फैक्ट्स के अपोजिट हो जाए, ठीक। पर्सनल ओपिनियन शुड बी इग्नोर, हमारी अगर कोई ओपिनियन है किसी के बारे में, हमें लग रहा है कि नहीं ये फेवर में है ये अगेंस्ट में, हम पहले से ही उसके फेवर में थे तो हम उसे कह दें कि ये स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होना। पर्सनल आपको कोई ओपिनियन नहीं लेनी, जो भी आर्ग्यूमेंट में इंफॉर्मेशन दे रखी उसी के बेस पे आपको डिसाइड करना है। अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहा है जो एम्बिग्यूस है, एम्बिग्यूस मीन्स, एम्बिग्यूस किसे कहते हैं, जो क्लियर ना हो, यस, एम्बिग्यूस मीन्स नॉट क्लियर, मतलब उसका कुछ भी मीनिंग निकाला जा सकता है, ऐसी कोई बात बोल दे तो उसे हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं मानते, हम उसे हटा देते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट मीन्स नॉट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब प्रॉब्लम मान लो बहुत छोटी और हम उसका ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट दे दे कि भाई बहुत बड़ी चीज कर दे, तो ये नहीं है। जैसे आजकल होता रहता है कि भाई किसी कंट्री के बीच में छोटी सी बात ही तो सीधे कोई सॉल्यूशन दे दे कि वॉर शुरू कर दो, उस पर अटैक कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक डिसप्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स हो जाएगा, इतनी छोटी बात जिसको हम डिप्लोमेटिकली सुलझा सकते हैं उसके लिए आप सीधे सॉल्यूशन दो कि वार कर लो, तो ये सही नहीं है, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मारना मच्छर को और हम कह दे सजेस्ट करें कि तलवार लेके आओ, तो दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेट, तो आर्ग्यूमेंट डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होने चाहिए, जिस तरीके की जिस प्रॉब्लम की बात हो रही है उसी लेवल का आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल ही रिलेवेंट बात कर दें उसमें, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, लॉजिकली होने चाहिए, एस्टेब्लिश फैक्ट होने चाहिए, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होने चाहिए, तब हम उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है स्टेटमेंट, शुड मेल laborers be paid more than the female laborers, ये statement है, मतलब question किसी ने put करा कि क्या male laborers को female laborers से ज्यादा pay करना चाहिए। अब इसके बेस इस question के answer में क्या है, दो arguments, किसी ने कहा yes, मतलब ये favor में है, should male laborers be paid, उसने कहा yes करना चाहिए, और फिर उसके सपोर्ट में क्या कहा उसने, फिजियोलॉजिस्ट कंफर्म दैट स्ट्रक्चर ऑफ मेल बॉडी सच दैट मेल्स कैन डू मोर वर्क व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो उसने अपने आर्ग्यूमेंट के बेस पर क्या कहा कि फिजियोलॉजिस्ट की स्टडी को उसने प्रेजेंट किया कि वो ये कहते हैं कि मेल बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो फीमेल से ज्यादा वर्क कर सकते हैं इन अ गिवन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। दूसरे में क्या कहा, नो, ये अगेंस्ट में एक आर्ग्यूमेंट आया नो, और उसके पीछे क्या लॉजिक दिया,
कि दिस विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर जेंडर इक्वेलिटी इन द सोसाइटी. जेंडर इक्वेलिटी पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं. अब आपको बताना है कि इनमें से गिवन कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है. क्या वन स्ट्रॉन्ग है सिर्फ, या टू स्ट्रॉन्ग है, या दोनों में से कोई एक है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है, या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग है. और ऑप्शन फाइव. ऑप्शन फाइव और किसी के क्या समझ में आ रहा है? यस ऑप्शन फाइव ही लग रहा है. ऑप्शन फाइव चलो. तो देखो फर्स्ट वाला तो हमें समझ में आ रहा है कि उसने फेवर में बोला, बट उसने क्या करा, उसको बैकअप करा, स्टडी से बैकअप किया है. तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है. बट सेकंड पर आते हैं हम. दिस विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी देखो एक बहुत बड़ा टर्म है. जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं. इसमें से एक पॉइंट है कि हम जो मेल लेबरर हैं उसको फीमेल से ज्यादा दे रहे हैं. तो क्या सिर्फ इसके बेस पर पूरी जेंडर इक्वालिटी पर क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं, ये हमें सोचना. नो सर. नो सर. तो देखो जेंडर इक्वालिटी क्या रहता है शुरू से ही, मतलब काफी सारी चीजें जेंडर इक्वालिटी को अगर हमें सही करना है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. तो अगर हम मेल लेबरर और ये वाली बात कर रहे हैं तो ये उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है. तो ये इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब इसने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो बात कही कि दिस विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर जेंडर इक्वालिटी इन द सोसाइटी, कि सिर्फ अगर हम मेल लेबरर को फीमेल से ज्यादा दे देते हैं तो इससे पूरी जेंडर इक्वालिटी पर क्वेश्चन हो जाएगा. तो ये इन द सेंस एक वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी बहुत बड़ा टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वन. ये आंसर लग रहा है ठीक, या अभी भी कोई क्वेश्चन है कि नहीं? अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऑप्शन टू. एग्री इससे आंसर से वन, या अभी भी टू लग रहा है जिसने आंसर बोला था कि टू भी हो सकता है? सर ऑप्शन टू भी अगर इक्वल वेज नहीं मिल रहा तो इस पॉइंट को तो राइज कर सकते ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी तो स्ट्रॉन्ग है. देखो आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ये ट्रू है, हम ये ट्रू या फॉल्स पे बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मली आर्ग्यूमेंट ट्रू लेते हैं. हमारा क्वेश्चन है कि एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है. क्वेश्चन इज दिस, तो जेंडर इक्वालिटी में अगर इन द ब्रॉड टर्म जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब राइट फ्रॉम की राइट ऑफ बर्थ है, राइट कैसे रह रहे हैं घर में, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू ये है, जितने भी राइट्स हैं, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरिज, हर तरीके के पॉइंट है. तो उसमें ये जो वेज वाली बात हो रही स्पेशली लेबरर्स के लिए, तो ये ओवरऑल बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है. तो अगर हम सिर्फ इसके बेस पे ये कहें कि जेंडर इक्वालिटी पर क्वेश्चन हो रहा है, तो क्योंकि जेंडर इक्वालिटी अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, तो उस सेंस में ये क्या बन जाता है, एक वीक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कि हम एक छोटी सी डोमेन के लिए पूरे बड़ी चीज को हम क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके सर समझ गए. इस सेंस में ये वीक है, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क है, बट इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट. चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये. शुड एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है कोई भी लिमिटेड करके, सैक. सैक करना किसे कहते हैं?
सर निकालना, रिमूव, रिमूव करना है जिसे हम कहते हैं फायर कर देना, रिमूव कर देना, यस सर, सर्विसेज टर्मिनेट कर देना। तो क्या कह रहा है, सैक द एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब जो एमडी है उस कंपनी का उसको सैक कर दो, फायर कर दो, हटा दो, ओइंग किसकी वजह से, ऑफ टू हिज कंसिस्टेंट फेलियर, कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर, उसका रेगुलर फेलियर इन अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। तो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो ये कहा जा रहा है कि क्या हम उसके एमडी को सैक कर दें क्योंकि उसका रेगुलर फेलियर है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न करते। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया, यस सैक कर दो, और उसके बेस पे, किस बेस पर कहा गया ये, बिकॉज ऑल द कंपटीटर्स आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एंड मेकिंग प्रॉफिट। पहला आर्ग्यूमेंट किसने क्या दिया कि यस हमें कर देना चाहिए क्योंकि सारे जो कॉम्पिटिटर हैं हमारे वो कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कर रहे हैं, और ये जो कंपनी एक्स है इसको लगातार वो मिल रहा है, फेलियर हो रहा है कि प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, लॉस में जा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या नहीं है? स्ट्रॉन्ग लग रहा है भैया, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर अगर ऐसा होता है, देखो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया ना उसे हम ट्रू मानते हैं, आर्ग्यूमेंट में जो भी दे रखा है उसे हम ट्रू मान के चलते हैं। यानी अगर ये कह रहा है कि सारे कंप्यूटर ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट, तो हम मान लेते हैं इस बात को, यस ऐसा है। अब उसके बेस पे देखो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उसको सेक करने का कि भाई जितने भी कंपटीटर है सबको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और हमारी कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली लॉस में जा रही है। तो यस ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, इसके बेस पे अगर कोई डिसाइड कर रहा है यस तो ठीक है वो। सेकंड कौन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है नो। उसने क्या रीजन दिया, वो कह रहा है कि होल इंडस्ट्री इज इन रिसेशन एंड नो कंपनी हैज बीन एबल टू मेक प्रॉफिट। अब इस जब इस आर्ग्यूमेंट को पढ़ना है तो हम इसकी सिचुएशन भी ट्रू मानते हैं कि अगर कोई ये बात कह रहा है कि नहीं देखो सारी इंडस्ट्री ही रिसेशन में जा रही है और किसी भी कंपनी नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट, कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाई, तो वो कह रहा है कि नहीं हमें इसे सैक नहीं करना चाहिए। तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग है? Yes, sir. Yes, बात भी अपनी जगह सही है, हम ट्रू मान के चलेंगे जो ये कह रहा है ट्रू है, यानी कि सारी कंपनीज अगर रिसेशन में है किसी भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि भाई इसमें एमडी की गलती नहीं है, पूरा मार्केट ही ऐसे चल रहा है, तो उसको सैक करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो दोनों के अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सर फाइव, थ्री या फाइव, थ्री या फाइव, देखो ये वर्ड भी है आइदर, सर सर थ्री होगा, थ्री थ्री। देखो दोनों के लॉजिक एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक कह रहा है कि सारी कंपनीज प्रॉफिट में जा रही हैं, ग्रो कर रही हैं, इसलिए यस इसको हटाओ, दूसरा कह रहा है कि नहीं सारी कंपनी रिसेशन में, सब लॉस में जा रही है, इसलिए हटाना चाहिए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब दोनों में से कोई एक ही चीज ट्रू हो सकती है, तो लॉजिक के हिसाब से दोनों स्ट्रांग है, बट अगर हम देखें तो दोनों एक साथ स्ट्रांग नहीं हो सकते, मतलब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, या तो वन स्ट्रॉन्ग होगा या फिर टू स्ट्रॉन्ग। तो ये सिचुएशन का लास्ट में ध्यान रखा करो, आइदर या फिर बोथ। हो सकता है कि लॉजिक इस तरीके से होता है कि यस कहने के पीछे कुछ और रीजन देता वो, और ये नो करने के पीछे कुछ और रीजन होता, और दोनों एक साथ ट्रू हो सकते थे,
तो हमारा आंसर होता फिर। और दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते तो हम यूज करते हैं आइदर। तो यहां पर आइदर होगा क्योंकि तो दोनों का लॉजिक क्या है, एक कह रहा है कि सारी कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, दूसरी कह रहा है कि सारी कंपनी लॉस में जा रही है। तो हमें ऑप्शन चूज करते वक्त ये हमने सही डिसाइड किया कि स्ट्रॉन्ग है दोनों आर्ग्यूमेंट, बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो ये आइदर और बोथ ऑप्शन चूज करते वक्त एक बार ऑप्शन जरूर ध्यान से पढ़ो, स्पेशली अगर ये वर्ड है आइदर तो तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। क्योंकि रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन में ये आइदर वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। यस ठीक। यस सर। तो ये रीजनिंग के हमारे 4 आज के टॉपिक थे, क्रिटिकल रीजनिंग के ये सारे पार्ट रहते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, एजम्पशन और स्ट्रॉन्गली आर्ग्यूमेंट। ये 3 हम कल की क्लास में कॉज एंड इफेक्ट, एसर्शन और डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारा रीजनिंग फिर कंप्लीट, फिर ट्यूसडे से हमारी क्वांट की क्लास शुरू। तो एक बार जल्दी में देख लेते हैं क्या क्या था। हर देखो हर टाइप की अलग स्ट्रेटेजी, बस आपको अगर उसकी स्ट्रेटेजीज और पॉइंट याद है तो इजी होते हैं। ये कोई कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बहुत सारे टाइप के होते हैं तो आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, कोई प्रॉब्लम दे रखी उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंप्लीमेंट करा जाना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और किसी और प्रॉब्लम को अराइज नहीं करना चाहिए। जैसे पर्टिकुलर हाईवे एक्सीडेंट बढ़ गए तो अगर हम सारे पुलिस वालों को वहां लगा दें तो सिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी और ईच एंड एवरी व्हीकल पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं चलेगा। वाटर बॉर्न डिजीज आर रैम्पेंट, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बिल्कुल सही है, चलेगा ये। सेवरल लॉज, अभी तक चाइल्ड लेबर चल रही तो एक और लॉ पास कर दें कोई फायदा नहीं होगा, पहली क्वेश्चन में हमें दिख गया, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंपनी जेड को हाई लॉसेस हो रहे हैं तो और डिस्काउंट दे दे वो अपने सारे प्रोडक्ट्स पे तो फिर और लॉस बढ़ जाएंगे एकदम से, जबकि कोर्स ऑफ एक्शन 2 ज्यादा प्रैक्टिकल है कि अपने कंप्यूटर की स्टडी करें, उनके प्रोडक्ट और मेथड को देखें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये मार्केट प्लेस पे जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं तो उनके लिए क्या करें, अलग मार्केट प्लेस बनाए ताकि लोगों को भी इनकन्वीनियंस ना हो और वो अपनी भी अर्निंग कर सके, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट करने शुरू कर दे, पनिश करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्सीडेंट इन्वॉल्व था सिग्नलिंग की वजह से, तो यस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करनी चाहिए और अलर्ट सिग्नल मैन को एनकरेज करनी चाहिए। देखो यहाँ पर बोथ वाला आंसर है क्योंकि तो ये दोनों चीजें एक साथ करी जा सकती हैं, सिग्नलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उस सिग्नल मैन को भी दे सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें आंसर थी और दोनों एक साथ हो सकती हैं तो बोथ है, अगर दोनों में से कोई एक चीज होती तो हम कहते आइदर। जैसे मान लो कि ये सिचुएशन होती, जैसे अभी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, या फिर मान लो किसी को रोड को बड़ा करना है, रोड चौड़ी करनी है, तो वहां जो किनारे शॉप्स थी मान लो, तो उन लोगों के साथ क्या करा जाए? अगर कोई ऑप्शन 1 देता है कि उसको कंपेंसेट कर दे गवर्नमेंट, कंपेंसेशन देके उनकी जगह ले ले और उसे अपना रोड एक्सटेंड कर ले, दूसरा क्या कह रहा है उसको किसी और प्लेस पर जाके शॉप दे दो उन्हें दूसरे प्लेस पर, तो इनमें से क्या आंसर लगेगा? तो देखो ये भी सही है कि उनको कंपेंसेट कर दे, या फिर उसको नियर बाय दूसरी कोई जगह पर शॉप्स दे दे, ये भी ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये या तो कंपेंसेशन मिलेगा या फिर जगह मिलेगी, तो आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन 3।
तो ये आइदर वाला चीज हो जाएगा। तो जहाँ दोनों में से एक ही चीज, दोनों अपनी जगह ठीक है बट एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती, तो हमें आइदर देखना है। यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती थी भाई, टेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर दो, उसको इंटीग्रेट कर लो सिग्नलिंग में, और सिग्नल मैन को रिवॉल्व भी कर दो, दोनों अपनी जगह सही है और दोनों हो सकते हैं, तो आंसर इसलिए ये बोथ और आइदर एक बार जरूर ध्यान रखना। स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो स्ट्रिक्टली अगर कंक्लूजन की बात हो रही तो कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं लेनी, सिर्फ जो स्टेटमेंट में है बस वही है हमारे पास, कोई अपनी तरफ से कॉमन सेंस लॉजिक कुछ नहीं, अजम्पशन कुछ नहीं। अगर रेलिवेंट और एडवाइस की फॉर्म में है तो ट्रू है, मोरल एथिक्स अपनी तरफ से कोई नहीं लगाना है। तो टीचर इज स्कॉल्डेड राजू, तो हमने अगर एक बार किसी टीचर को, एक बच्चे को डांटते हुए देख लिया तो हमें ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर लेने चाहिए कि ये इस बच्चे को पसंद ही नहीं करता टीचर, हो सकता है वो वन ऑफ इंसिडेंट हो कुछ ऐसा, उस वक्त कोई ऐसी बात हो गई हो कि उसे डांटना पड़ गया, तो एजम अपनी तरफ से कोई एज्यूम नहीं करना है कि पहले से ही उसे पसंद नहीं था या जो भी था। Many people admitted in hospital, it is assumed that junk food is poisonous. तो इसका conclusion कि always poisonous. तो ये always अपने आप में बहुत strong हो गया, और poisonous तो हम नहीं कह सकते, ना ही statement में ऐसा कुछ information है, statement में maximum क्या दिया, assumed. तो ये weak, पहले से ही बहुत weak बात थी। Consumption बढ़ रहा है petroleum का, तो petrol बहुत कम हो जाएगा, तो efficiently use करने चाहिए, तो ये एक advice है और relevant भी है, तो yes follow करेगी, true है ये conclusion. But we should use more solar power, तो logically तो ये सही है, हम कह सकते हैं कि भाई करोगे तो ये होगा, but यहाँ पर statement में ऐसी कोई भी information नहीं थी, तो ये हमारा इसलिए conclusion follow नहीं हो रहा है कि ये relevant नहीं है, तो हमें अलग से कोई information नहीं अपनी तरफ से assume करनी। मेडिसिन ऑल द वेजिटेरियंस, तो ऑल और ये नन तो वैसे ही वीक पड़ जाते हैं, सम वेजिटेरियन ये ठीक है। स्टेटमेंट अजम्पशन, इसमें हम कॉमन सेंस लॉजिक अपनी तरफ से लगा सकते हैं, अजम्पशन दो तरीके में होंगे, इम्प्लिसिट या ट्रू, एक्सप्लिसिट या फॉल्स। तो एक्सप्लिसिट में जितने भी है, ईच एवरी नन ओनली, ये कभी भी अजम्पशन नहीं हो सकते, पास्ट या फ्यूचर की बात हो रही तब भी नहीं होंगे, और अगर assumption statement के against जा रहा है तब भी एक false। तो liquid soap in place of soap, ये इसका assumption नहीं हो सकता। Electric vehicle produce less, तो इसका assumption कि only means of transport in future, तो future की भी बात हो रही only भी तो नहीं है ये। Cell phones are prohibited और assumption है, this warning is not necessary, एक दूसरे के contradiction तो false हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कहा इंटरेस्ट लोअर करो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, गलत। फार्मर को ये करेगा लेस इंटरेस्ट देंगे, उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यस। तो ओनली टू इज इम्प्लिसिट। सन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, सन इज ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, गलत हो गया, ओनली वर्ड आ गया। विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये भी गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसे, यहाँ पर हम कह रहे हैं गुड सोर्स और यहाँ कह रहे हैं वेरी स्मॉल अमाउंट, दोनों में से कोई भी इम्प्लिसिट नहीं है। लास्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट्स में जो भी दिया होता है उसे हम ट्रू मान लेते हैं, पर्सनल ओपिनियन हमें अपनी कोई नहीं रखनी, जो भी आर्ग्यूमेंट में दे रखा है सिर्फ उसी के बेस पे आंसर करना है। अगर आर्ग्यूमेंट कोई एम्बिगुअस है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, इररिलेवेंट है, तो उसे हम हटा सकते हैं, यानी कि उसे वीक आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉजिकल है, एस्टेब्लिश फैक्ट है या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मेल लेबर्स भी पेड मोर देन फीमेल, तो एक ने यस कहा और उसके पीछे उसकी स्टडी को बैकअप करा, तो ये स्ट्रॉन्ग है। नो, लेकिन उसने क्या लॉजिक करा कि इससे जेंडर इक्वालिटी क्वेश्चन हो जाएगी, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी बहुत ब्रॉड टर्म है, तो उस सेंस में ये वीक पड़ गया आर्ग्यूमेंट, तो एक ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। और एग्जिस्टिंग मैनेजर को सेक कर दें, कंसिस्टेंटली लॉस में जा रही कंपनी, तो एक ने आर्ग्यूमेंट दिया यस, क्योंकि सारे ग्रो कर रहे हैं, सबको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है यस। और एक कह रहा है कि नहीं, सारे रिसेशन में और हर कंपनी को किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसा है तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, ये
क्रिटिकल सर तो इसमें ऑप्शन फाइव हमेशा सर मतलब इररिलेवेंट रहेगा है ना, क्योंकि सर उसमें दोनों की बात हो रही है। नहीं, दोनों के पीछे लॉजिक क्या है? हो सकता है ये यस किसी और वजह से कह रहा हो और ये नो किसी और वजह से कह रहा हो, ऐसी बातें हैं जो दोनों एक साथ हो सकती है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। प्रीवियस स्लाइड में तो ऐसा क्वेश्चन आया ना कि जिसमें दोनों सही हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन फाइव आंसर था। हाँ, जिसमें ये था कि फोर्स ऑफ एक्शन की भाई कंपेंसेट कर दो, दूसरा कह रहा था नहीं क्या करो उसकी दूसरी जगह दे दो, तो वो दोनों के अपनी जगह पे सही थे वो, और दोनों में से लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकती चीजें, तो यहाँ इस केस में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, देखो इस तरीके से सोच लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर हम मान लो इसको स्ट्रॉन्ग मान के चल रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग मानने के चक्कर है कि हमने इसका जो लॉजिक है उसको एक्सेप्ट करा है, यानी ऑल कॉम्पिटिटर आर ग्रोइंग एंड मेकिंग प्रॉफिट, तो जैसे हमने इसको ट्रू करा तो इस दूसरे की बात तो गलत हो गई ना, फिर वीक हो गई इसकी बात। भाई दो लोग खड़े हुए कह रहे हैं, एक कह रहा है कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, दूसरी कह रहा है नहीं रिसेशन में, तो अगर हम पहले को मान लेते हैं बात सही तो दूसरे की बात वीक हो गई। यस सर, तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है ना। देखो यस नो से ज्यादा इनके जो लॉजिक है उस पे ध्यान रखो, यस और नो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फेवर में भी अगर स्ट्रॉन्ग बात कह रहा है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे, कोई उसके अपोज में भी स्ट्रॉन्ग बात कह रहा है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक की बात स्ट्रॉन्ग करने की वजह से दूसरे की बात वीक हो रही है। ओके सर, इसलिए आइदर वाला केस है। ये भी हो सकता है कि ये यस किसी और बेस पे बेस करता है कि भाई उसे हटाया जा सकता है बिकॉज उसके कंपनी या उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड नहीं है, या वो फील नहीं कर रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ और लॉजिक दिया होता उसमें, और दूसरे ने कहा था नहीं हटाना नहीं चाहिए कि कंपनी रिसेशन में है, तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ हो सकती थी अलग अलग, मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट अपनी जगह होल्ड कर सकते थे, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों ने ऐसी बातें कही है कि दोनों में से एक का ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा, मतलब यस नो से ज्यादा उनके लॉजिक आर्ग्यूमेंट को तुम्हें देखना है कि वीक है या स्ट्रांग है। ये दोनों केस ऐसे हैं जो दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, या तो कंपनी ग्रो कर रही होंगी या फिर कंपनी रिसेशन में होंगी, इसलिए आइदर वाला हमने यूज किया। ठीक है, यस सर। क्या ठीक, तो फिर और कोई क्वेश्चन? सर टाइमिंग क्या रहेगा? देखो कल तो रीजनिंग की सुबह में ही रहेगी क्लास 10 बजे के अराउंड, उसके बाद ट्यूसडे से जब पॉइंट की होंगी तो वो फिर रात में चलेगी। सर तो दो क्लास होंगी ना, तो दोनों की टाइमिंग क्या होगी? हाँ, मैं आज रात में भेज दूंगा फाइनल करके। सर अगर 12 अगर सुबह वाली क्लास 12 बजे से भी स्टार्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा चलो, कल तो मंडे है ना। यस सर, यस सर, तो कल 12 बजे ही कर लेते हैं रीजनिंग क्लास। यस सर, ओके ठीक है, फिर ट्यूसडे से तो रात में ही आएंगे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर, इस टॉपिक के सर क्वेश्चन आएंगे तो सर वो तो वहाँ पे बताएगा ना कि ये किस स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। हाँ, नीचे दे रखा होगा ना, जैसे स्टेटमेंट है तो नीचे लिखा होगा आर्गुमेंट, पूछा होगा ऑप्शन में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, एजम्पशन का होगा तो उसमें लिखा होगा कि इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट, इस तरीके से दिया होगा स्टेटमेंट एजम्पशन। यस सर, तो सब चीजें क्लियर रहेंगी तुम्हें, कोर्स ऑफ एक्शन है तो इस तरीके से होगा स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो पूरा क्वेश्चन है ना,
और ऑप्शन कि कौन सा फॉलो कर रहा है, तो उससे पहचान लोगे तुम किस टाइप का है। यस सर। ठीक ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।